काले घने बाल किसे नहीं चाहिए होते, हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास अच्छे हो काले घने बाल हो। तो ये मैं आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ मंथ से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो ये मेरी नानी माँ ने मेरे लिए हेयर टॉनिक तैयार करा जो बहुत ज़्यादा मैजिकल है। ये मेरे लिए तो मैजिक का काम किया, 1.5 महीने में ही, मतलब 1.5 मंथ लगे मुझे, ये मेरे बालों का टेक्सचर इसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है, लेंथ भी इंक्रीज़ हुई है। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए, या फिर आप मेडिकेटेड ऑयल बोल सकते हो। तो आप देख रहे होंगे आपको जैसे कि इसमें कलौंजी है जो आपको बालों को काला रंग देती है, नींबू के पत्ते विटामिन सी रिसोर्स है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, भृंगराज जिसे बालों का राजा बोलते हैं, काली मिर्च है, काली मिर्च जो है आपके बालों की बालनेस को दूर करता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन बहुत यूनिक चीज़ है ये काली मिर्च, आपके बाल कहीं से भी पूरे साफ़ हो गए मतलब झड़ गए तो वहाँ पर आपको फिर से रीग्रो करता है हेयर को। तुलसी के पत्ते हैं, हेली एंटीबैक्टीरियल होता है, अजवाइन है बालों को स्कैल्प को सूदिंग करता है, और आंवला पाउडर है, विटामिन सी रिसोर्स है, गिलोय है यहाँ पर जो आपके इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है स्कैल्प के बॉडी को भी, लौंग लेना है आपको, और रोज़ पेटल अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो भी सही है, और ड्राइड मिले तो भी आप यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा है और शैलट्स हैं, और शैलट्स जो छोटे छोटे प्याज होते नहीं मिलता तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा विटामिन ई रिसोर्स होता है बहुत ज़्यादा, बालों को एक हेल्दी लुक देता है, और लहसुन है स्कैल्प की सूजन को दूर करता है, तेज पत्ता है ये भी एंटी फंगल होता है, और सबसे यूनिक चीज़ है ये आम, आम का छिलका अगर आपको मिल जाता है इसकी सीड्स तो इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ तो कोई नहीं है, ये बालों को बहुत ज़्यादा काला करता है, नेचुरल हेयर कलर प्रोवाइड कराता है, और ये फ्रेश गुड़हल के फूल हैं नहीं मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं मिलते तो आप ड्राइड फॉर्म में भी ले सकते हो, इसके पत्ते हैं, और एक सबसे यूनिक चीज़ इसमें दो हैं यहाँ पर भी, ये पीपल का पत्ता और पारिजात का पत्ता जिसे हर श्रृंगार भी बोलते हैं, ये दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जुओं को साफ़ करता है, कंट्रोल करता है, और ये जो है करी लीव्स हैं जैसे करी पत्ता बोलते हैं, नीम का पत्ता है, नीम के सीड्स भी ले रखे हैं, और दूरवा है ये जो पूजा में यूज़ होती है भी बालों को अच्छा कंडीशनिंग करता है और ठंडक प्रोवाइड कराता है आपकी स्कैल्प को। आपको ऐसे ही बनाना जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, मतलब सब चीज़ों को छोटा छोटा कर ले जो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और इसमें लहसुन डाल देना है बारी बारी से, सारी चीज़ें डाल देनी जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, सबसे यूनिक चीज़ आप इसे डालना ना भूलिएगा, तेज़पत्ता है और ये गुड़हल के पत्ते हैं, गुड़हल के फूल हैं, ये सारी चीज़ें वन बाई वन करके आप डाल दीजिएगा आराम आराम से। देखिए पहले तेल नहीं डालना, जैसे इसको दिखाया जा रहा है ऐसे ही आपको बनाना है। ये करी पत्ता है, बीटा कैरोटीन इसे बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन बी आपके स्कैल्प को प्रोवाइड कराता है, और ये नीम के पत्ते हाली एंटीबायोटिक सीड्स मिल जाए तो भी बहुत अच्छा, ये दूरबा है जो आपकी स्कैल्प को ठंडक देगी स्पेशली, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो पूजा में यूज़ होती है वही दूरबा लेना है, और ये जो है गई कलौंजी, और ये मेहंदी के पत्ते हैं जो आपके बालों को एक नेचुरल कलर देगा और सूदिंग करेगा आपके स्कैल्प को, ये नीम के ये नींबू के पत्ते हैं, और ये काले मिर्च जो आपके बालनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेथी के सीड्स हैं जो एंटी डैंड्रफ क्वालिटीज़ होती है जिसमें, ये अजवाइन है गया, और ये आपका गुलाब का फूल है उसके ड्राइड जो है पेटल्स हैं, ये भृंगराज इसे बालों का राजा बोलते हैं हर कोई, और हल्दी की हेली एंटीबायोटिक भृंगराज जो है आपके आई साइट इम्प्रूव करता है, मेमोरी इम्प्रूव करता है, हेयर को ग्रे करने से बहुत जल्दी रोकता है, मतलब जल्दी हेयर ग्रे नहीं होंगे, वाइट नहीं होंगी। आंवला पाउडर है, ये विटामिन सी है, आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये तो, और ये गिलोय है, गिलोय भी अंदर की भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है और बाहर से भी आपकी स्कैल्प की इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगी। ये तेल है, आपको जो तेल सूट करता हो आप वो ले लीजिए, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल और तिल का तेल लिया हुआ है, और ये नारियल का तेल लिया, तीन तरह के तेल तो हमारे मतलब यूज़ किया है इसमें, आपको अगर एक सिंगल तेल भी मिल जाता तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो आपको जैसा दिखाया जा रहा वीडियो में ऐसे तेल ऊपर से डालना है, और ये नींबू है, नींबू के पत्ते भी डाले मैंने, उसमें फ्रेश नींबू भी डाला है, और धीमी आंच में पकाना है इसको। देख रहे हैं आप इसमें इसका पूरा जो है, इसमें अपने सारे जितने भी हाउस पड़े सारे अपने अपने क्वालिटीज इसमें ऑयल में छोड़ दिए हैं, आप अपने हिसाब से तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं, और पकने के बाद ठंडा होने के बाद इसका कलर और टेक्स्चर ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, नहीं तो इसकी क्वालिटी फिर रह नहीं जाएगी, अगर हाई फ्लेम पर आप इसे पका देंगे तो। इसका कलर जो है ब्लैक नहीं होना चाहिए, ऐसे ही एकदम रेड और ब्राउन होना चाहिए तभी ये अच्छा माना जाता है, मतलब अच्छे से पक गया है, सारे हर्ब्स अपनी क्वालिटीज़ छोड़ दिए हैं, लाइट ग्रीन कलर का है देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। आप इसे यूज़ करिए, यकीन मानिए 3 मंथ चैलेंज में आपको गारंटी दे रही हूँ, 3 मंथ में आपके बालों को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा, आपके बालों के हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, और बाल तो झंडे बंदी हो जाएंगे, जो आजकल के मतलब मॉडर्न एरा में सबको शिकायत होती है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं,
तो आप इसे यूज़ करके प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो 1.5 मंथ लगे थे, मेरे बालों का टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा और झड़ना भी काफ़ी ज़्यादा बंद हो गया, टेक्स्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। तो आप इसको यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स करके, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में, सबको जिसको ज़रूरत है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे टेक्स्चर ऐसे ही होना चाहिए, हेयर फॉल है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी।